हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हंसराज कुमावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिपमेर 2020 सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम फ्रेंड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जिपमेर और एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, इस जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम रेशनल के साथ डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चले कि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आंसर कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज टीचिंग पोस्टमार्टम क्लाइंट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड? ऑप्शन ए, द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूड। ऑप्शन बी, prenatal vitamins should be discontinued. Option C, soap should be used to clean the breast. Option D, birth control measures are unnecessary while breastfeeding. फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि टीचिंग पोस्टमार्टम क्लाइंट, यानी क्या करेगी जो नर्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन देगी, उस इंस्ट्रक्शन में क्या इंक्लूड करेगी, कौन से पीरियड में? पोस्टमार्टम क्लाइंट। जो पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है वो फ्रेंड क्या होता है, 6 वीक का जो डिलीवरी के बाद जो 6 वीक का जो पीरियड होता है उसको कौन सा पीरियड कहते हैं? पोस्टमार्टम पीरियड होता है फ्रेंड वो। और जो पोस्टमार्टम पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है? प्यूपेरियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी लेते हैं, लास्ट से हम देखते हैं। द बर्थ कंट्रोल मेजर आर अननेसेसरी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बर्थ कंट्रोल मेजर क्या है? अननेसेसरी। तो फ्रेंड, जो ब्रेस्ट फीडिंग के समय बर्थ कंट्रोल का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी क्या है? सोप शुड बी यूज टू क्लीन द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट को क्लीन करने के लिए सोप का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सोप को साबुन से या सोप से क्लीन नहीं किया जाना चाहिए, ये भी रॉन्ग हुआ। सेकेंड जो ऑप्शन बी है क्या है? प्रीनेटल विटामिन शुड बी डिसकंटिन्यू। तो फ्रेंड, जो विटामिन की जो है डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, तो आप इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूड, यानी डाइट के अंदर क्या करेंगे हम? एडिशनल फ्लूड इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या हुआ फ्रेंड? हमारा राइट आंसर हुआ, क्योंकि एडिशनल फ्लूड क्या करेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। द पोस्टमार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यू बॉर्न, विच टाइम फ्रेम शुड डन नर्स रिलेट टू देयर क्लाइंट रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ बाउल फंक्शन। ऑप्शन ए है हमारा 3 डे पोस्टमार्टम, ऑप्शन बी है 7 डे पोस्टमार्टम, ऑप्शन सी है ऑन द डे ऑफ बर्थ, एंड ऑप्शन डी ऑप्शन है हमारा 2 वीक पोस्टमार्टम। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिटर्न ऑफ बाउल फंक्शन, यानी डिलीवरी के बाद में जो बाउल फंक्शन है वो कब रिटर्न होगा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, 3 डे पोस्टमार्टम, यानी पोस्टमार्टम के 3 डे में क्या होगा? बाउल फंक्शन क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, 3 डे पोस्टमार्टम, यानी जो बाउल फंक्शन कब रिटर्न होते हैं? 3 डे पोस्टमार्टम के 3 डे में। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द पोस्टमार्टम, फ्रेंड ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये क्या है? पोस्टमार्टम है, यहाँ पे आप कर लीजिए पोस्टमार्टम है। द पोस्टमार्टम नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइन ऑफ ए क्लाइंट हु डिलीवर्ड ए हेल्दी न्यूबॉर्न 4 आवर एगोस। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज टेम्परेचर इज 100 डिग्री फॉरनाइट, वॉट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट द टेम्परेचर इन 15 मिनट्स, एंड ऑप्शन सी है हमारा नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड ऑप्शन डी है हमारा इंक्रीज हाइड्रेशन बाई एनकरेजिंग ओरल फ्लूड। फ्रेंड, इसको हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो फ्रेंड, जब टेम्परेचर 100 डिग्री है तो आप उसको डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, तो इसका प्रायोरिटी के अंदर नहीं जाएगा। तो प्रायोरिटी के अंदर क्या हो, ये भी रॉन्ग हुआ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्रोटेक्ट द टेम्परेचर इन 15 मिनट, प्रोटेक्ट का कोई मतलब नहीं है इसमें। ऑप्शन सी है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो ये इतना नहीं है कि आप हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करो या नोटिफाई करो। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है फ्रेंड? इंक्रीज हाइड्रेशन बाई एनकरेजिंग ओरल फ्लूड। इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी। क्या होता है फ्रेंड, जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, यानी 100 डिग्री है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस समय क्या होता है? बॉडी को फ्लूड की और हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है, ताकि क्या होता है, जो फ्रेंड टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? फ्लूड का लॉस होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे? ऑप्शन डी जो क्या कह रहा है हमारा, इंक्रीज हाइड्रेशन बाई एनकरेजिंग ओरल फ्लूड, यानी ओरल फ्लूड को एनकरेज करके हम क्या करेंगे? हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्लूड लॉस हुआ है उसकी क्या कर सके? उसको मेंटेन कर सके।
तो चलिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, इंक्रीज हाइड्रेशन ऑफ ओरल फ्लूड, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड, यानी जो सर्जिकल वुंड है उसका जो एज ओपन हो गया तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वुंड एविस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है वुंड रप्चर, ऑप्शन सी वुंड अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन डी वुंड डेशन। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजेस को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, वुंड डेशेंस, ऑप्शन फोर। वुंड डेशेंस क्या होता है फ्रेंड, जैसे कोई भी सर्जिकल यदि सर्जरी हुई है और यदि वो वुंड जो है ओपन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वुंड डेशेंस कहते हैं। और यदि वुंड डेशेंस को हम ट्रीट नहीं करते हैं, वुंड डेशेंस इज अनट्रीटेड, यानी ये इसको यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो बाहर की तरफ एक्सपल्ड आउट हो जाता है, तो उसको जो एक्सपल्शन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वुंड एविस्ट्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होम हेल्थ नर्स विजिट एन एल्डरली क्लाइंट हु हैज सडनली डेवलप्ड डिलीरियम, व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर फर्स्ट। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड हियरिंग लॉस, ऑप्शन बी कैंसर मेटास्टेसिस, ऑप्शन सी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑप्शन डी ड्रग इंटॉक्सिकेशन। फ्रेंड इसके अंदर क्या हो रही है कि जो नर्स है फर्स्टली क्या नोट करेगी, किसके अंदर, सडनली डेवलप डिलेरियम, यदि सडनली डेवलप डिलेरियम हुआ है तो क्या होगा उसके अंदर क्या असेस करेगी फर्स्ट। फ्रेंड इंक्रीज हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस से कोई लेना देना नहीं है, कैंसर मेटास्टेसिस भी से कोई लेना देना नहीं है, और जो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर उससे भी से कोई लेना देना नहीं, ड्रग इंटॉक्सिकेशन ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या हो सकता है फ्रेंड, उसमें सडनली डिलेरियम डेवलप हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ फ्रेंड, ड्रग इंटॉक्सिकेशन। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स, द क्लाइंट विद हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विदाउट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ डिहाइड्रेशन। फ्रेंड आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम है वो क्या होगा, मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, जो कि इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो रेस्पिरेटरी है, तो इसलिए ये दोनों तो वैसे ही इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचे हुए कौन सा, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो बी होगा या डी होगा। तो जो हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन में क्या होता है, जो अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब वोमिट होती है तो वोमिट होने की कंडीशन में क्या होगा, एसिड जो एसिड है या HCl है वो बाहर निकलता है, तो अर्ली स्टेज में क्या संभावना रहेगी, उसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कंटिन्यू वोमिटिंग होती रहती है और मुंह से जो पेशेंट होता है वो मुंह से कुछ ले नहीं पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एज ए स्टारवेशन की कंडीशन हो जाती है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फेट है उस फेट का मेटाबॉलिज्म होगा, और फेट का मेटाबॉलिज्म होने से क्या होगा फ्रेंड, फेट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन बॉडी क्या है, एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि फ्लूड का लॉस हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या फ्रेंड हुआ, राइट आंसर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ डिहाइड्रेशन। यदि फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेसिफाई कुछ पूछा नहीं है, इसके अंदर सिंपल पूछा कि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन में क्या डेवलप होगा, तो जो आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ डिहाइड्रेशन। यदि इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, यदि हाइपरइमेसिस के आगे ये लिख देता है कि अर्ली स्टेज, यानी अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा, अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम, तो उसके अंदर कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। तो अभी जो इसका जो राइट आंसर वो क्या है फ्रेंड, हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मच ऑफ वाटर इज रिलीज्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ईच 100 कैलोरी ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फ्रेंड इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला जैसा कुछ है नहीं, तो हमारा हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए है हमारा 10 ml, ऑप्शन बी 20 ml, ऑप्शन सी 30 ml एंड ऑप्शन डी 5 ml। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है फ्रेंड, ऑप्शन ए, यानी 10 ml, यानी 100 कैलोरी जो फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ईच के लिए कितना ml उसके अंदर वाटर रिलीज होता है, तो कितना होता है फ्रेंड, 10 ml। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाई परस्पिरेशन एलोन इज ml पर डे, यानी कितना ml क्या होता है परस्पिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है 100 ml पर डे, ऑप्शन बी 200 ml पर डे, ऑप्शन सी 150 ml पर डे एंड ऑप्शन डी ये क्या है, ऑल ऑफ द दीज। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए 100 ml पर डे, एंड एवरेज जो वाटर लॉस होता है परस्पिरेशन के द्वारा वो कितना होता है, 100 ml पर डे। पर ये जो
जो वाटर लॉस है उसकी जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है फ्रेंड? हीट पे, यानी हीट पे या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि हीट की ज़्यादा हीट है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा हीट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन के द्वारा वाटर का लॉस अधिक होगा। तो क्या इस पर किस पर डिपेंड कर रहा है, यदि यदि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो एवरेज अमाउंट में जो वाटर लॉस होता है वो कितना होता है, 100 ml। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। विच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन सीन इन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, यानी क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर हमें किस प्रकार का डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चन नंबर 9th है उसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसके अंदर भी कुछ समझाने जैसा है नहीं, जो क्रोनिक जो माल न्यूट्रिशन होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन में हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड, तो आपके यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन किसके अंदर होता है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या जाना चाहिए फ्रेंड, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ए क्लाइंट विद PN इन्फ्यूजन हैज डिसकनेक्टेड द ट्यूबिंग फ्रॉम द सेंट्रल लाइन कैथेटर, द नर्स असेस द क्लाइंट एंड सस्पेक्ट एंड एयर एम्बोलिज्म। इसके अंदर क्या है आ गया फ्रेंड, एयर एम्बोलिज्म। द नर्स शुड इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन। ऑप्शन ए है हमारा ऑन द लेफ्ट साइड विथ हेड लोअर देन फिट, ऑप्शन बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड विद द हेड हायर देन फिट, ऑप्शन सी ऑन द राइट साइड विथ हेड लोअर देन फिट एंड ऑप्शन डी है ऑन द राइट साइड विद द हेड हायर देन फिट। तो फ्रेंड जब भी एयर एम्बोलिज्म से रिलेटेड एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में आपसे पोजिशन पूछी जाती है तो वो हमेशा क्या होगी फ्रेंड, लेफ्ट साइड में होगी। और क्या होगा, जो हेड है वो लोअर देन फिट किस कंडीशन में क्या होता है, मैंने लेफ्ट साइड में कौन सी पोजिशन हुई, ट्रेडनल बर्ग पोजिशन, यानी जिस कंडीशन में बेड जो है, जो हेड एंड क्या होता है लोअर होता है और फिट एंड अपर होता है, तो वो कौन सी पोजीशन होती है फ्रेंड, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के साथ क्वेश्चन कौन सी साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। ये कौन सी कंडीशन, तो एयर एम्बोलिज्म से आपसे रिलेटेड यदि पोजीशन पूछी जाती है तो एयर एम्बोलिज्म में आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड लोअर देन फिट, यानी फिट से क्या होना चाहिए, हेड लोअर होना चाहिए। यानी कौन सी पोजीशन हो गई, ट्रेडनबर्ग पोजीशन, यानी लेफ्ट साइड के साथ साथ क्या हुआ, ट्रेडनबर्ग पोजीशन के साथ क्या हुआ लेफ्ट साइड के अंदर हम उसको पोजीशन दिलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू हैंग द फर्स्ट बैग ऑफ PN सॉल्यूशन वाया द सेंट्रल लाइन ऑफ असाइन क्लाइंट, द नर्स शुड ऑब्टेन विच मोस्ट असेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट बिफोर हैंगिंग द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए यूरिन टेस्ट स्ट्रिप, ऑप्शन बी ब्लड ग्लूकोज मीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन डी नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटर। तो फ्रेंड जो हम इसमें के अंदर क्या कर रही है, जो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सॉल्यूशन को हैंग करने से पहले कौन सा एसेंशियल क्या करेंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड जो यूरिन टेस्ट स्ट्रिप का इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए एलिमिनेशन के द्वारा एलिमिनेट करते हैं इसको। ब्लड ग्लूकोज मीटर का भी कोई नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम PN सॉल्यूशन दे, तो PN जो सॉल्यूशन देंगे तो किससे देंगे, सेंट्रल लाइन से दे रहे हैं, तो जो अपन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप के द्वारा क्या करेंगे हम, ये देंगे। तो क्या इसमें क्या पूछा है, नर्स शुड ऑब्टेन विच मोस्ट एसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट बिफोर हैंगिंग द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन हैंग करने से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। द ऑप्टिमल वेट गेन व्हेन द क्लाइंट इज रिसीविंग PN इज, ऑप्शन ए 1 to 2 lb पर वीक, ऑप्शन बी 2 to 3 lb पर वीक, ऑप्शन सी 3 to 4 lb पर वीक एंड ऑप्शन डी 5 lb पर वीक। फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, यानी 1 to 2 lb पर वीक। यानी ऑप्टिमल जो वेट गेन होता है जिस जो PN को रिसीव कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन को, तो उसके अंदर जो वेट गेन होता है वो कितना होता है, 1 to 2 lb पर वीक, यानी एक वीक के अंदर कितना होता है, 1 to 2 lb। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द नर्स इज इंसर्टिंग एन IV लाइन इनटू ए क्लाइंट्स वेन आफ्टर द इनिशियल स्टिक द नर्स वुड कंटिन्यू टू एडवांस द कैथेटर इन विच सिचुएशन। यानी फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है वो IV कैनुला से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा क्या है, द कैथेटर एडवांस इजीली, द वेन इज डिस्टेंडेड अंडर द नीडल, द क्लाइंट डज नॉट कंप्लेन ऑफ डिसकम्फर्ट एंड ऑप्शन डी है ब्लड रिटर्न शो इन द बैक फ्लैश चैम्बर ऑफ द चैम्बर।
इसको फ्रेंड एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन के जो फ्रेंड जो आईवी कैनुला होता है उसको क्या करते हैं कि जब उसको तभी प्लेस करते हैं हम जब क्या होगा उसके अंदर जो उसका जो जो बैक फ्लेश वाला उसके अंदर क्या हो हमें ब्लड शो हो। तो फ्रेंड जैसे कि कैथेटर एडवांस इजीली, तो एडवांस कैथेटर इसलिए इजीली नहीं करेंगे यदि वेन के अंदर नहीं गया हो, यदि स्किन के अंदर गया हो और वो वेन के अंदर नहीं गया आउटसाइड द वेन गया हो तो हम उसको कैथेटर को एडवांस इजीली नहीं करेंगे। इसके साथ वेन इज डिस्टेंड अंडर द नीडल, यदि नीडल के नीचे यदि वेन डिस्टेंड हो गई है तो भी उसको हम एडवांस के लिए कैथेटर को इंसर्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, द क्लाइंट डज नॉट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, यदि कंप्लेन नहीं करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही प्लेसमेंट है। वो सब सही प्लेसमेंट कब होगा फ्रेंड, जब वो क्या होगा ब्लड रिटर्न शो इन द बैक फ्लैश चैम्बर, यानी उसके चैम्बर के अंदर फ्लैश वापस मतलब अपने को दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, यानी ब्लड रिटर्न शो इन द बैक फ्लैश चैम्बर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एट द मेडिकेशन कार्ट एज द नर्स गोज टू इंसर्ट द स्पाइक एंड ऑफ द आईवी ट्यूबिंग इनटू द आईवी बैग, द ट्यूबिंग ड्रॉप एंड द स्पाइक एंड हिट द टॉप ऑफ मेडिकेशन कार्ट, द नर्स टेक विच एक्शन। ऑप्शन ए है हमारा ऑब्टेन ए न्यू आईवी बैग, ऑप्शन बी ऑब्टेन न्यू आईवी ट्यूबिंग, ऑप्शन सी वाइप द स्पाइक एंड द ट्यूबिंग विथ पोविडोन आयोडीन, ऑप्शन डी स्क्रब द स्पाइक एंड द बी विथ एंड एल्कोहल स्वाब। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक नर्स है जो क्या करिए इंट्रावीनस इन्फ्यूजन को क्या करिए मेडिकेशन कार्ट पे क्या करिए जो स्पाइक है उसका जो आई वी सेट होता है उसका जो स्पाइक है उसको क्या करिए इंसर्ट कर रही है आई वी बैग के अंदर। पर लेकिन बट क्या हुआ है फ्रेंड, जो आईवी जो ट्यूबिंग है वो क्या हो गई ड्रॉप हो गई, यानी नीचे गिर गई, कहाँ पे गिर गया, जो इसका जो स्पाइक है वो जो टॉप मेडिकेशन कार्ड के टॉप पे टच हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यानी क्या एक्शन लेंगे। तो जो फ्रेंड न्यू आईवी बैग तो नहीं लेगी, तो इसके क्या हुआ ये नहीं लेगी न्यू आईवी बैग, क्योंकि आईवी बैग में थोड़ी कुछ हुआ है, क्या हुआ जो स्पाइक जो ट्यूबिंग है उसमें दिक्कत हुई, तो इसके अंदर क्या लेगी न्यू ट्यूब लेगी, तो ऑप्टेन न्यू ट्यूबिंग ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। और फ्रेंड जो ऑप्शन सी है वो क्या है वाइड द स्पाइक एंड ऑफ द ट्यूबिंग विथ पोविडोन, कभी भी फ्रेंड यदि ऐसी कंडीशन में हम पोविडोन आयोडीन का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है स्कर्ब द स्पाइक एंड द बीन विद एंड एल्कोहल स्वाब, ये भी एल्कोहल स्वाब से कभी भी इसको नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्टेन न्यू आईवी ट्यूबिंग, यदि जो स्पाइक है आईवी ट्यूबिंग का यदि वो मेडिकेशन कार्ड पे टॉप पे या फिर कहीं पे भी टच हो गया है तो आप उसका यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे न्यू ट्यूबिंग आईवी ट्यूबिंग लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ रिटर्न एज प्रिस्क्रिप्शन टू डिसकंटिन्यू एन इंट्रावीनस लाइन, द नर्स शुड ऑब्टेन विच आइटम फ्रॉम द यूनिट सप्लाई एरिया फॉर अप्लाइंग प्रेशर टू द साइट आफ्टर रिमूविंग आईवी कैथेटर, यानी जो डॉक्टर है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि जो इंट्रावीनस लाइन को डिसकंटिन्यू कर देना है और क्या करना है जो, तो उस समय क्या जो डिसकंटिन्यू करने के जो इंट्रावीनस लाइन को या फिर जो कैनुला होता है इंट्राकेट होता है उसको रिमूव करते समय नर्स क्या यूनिट से क्या लेगी, तो ऑप्शन ए हमारा इलास्टिक रैप लेगी, ऑप्शन बी पोविडोन आयोडीन स्वाब लेगी या फिर एडेसिव बैंडेज या ऑप्शन डी क्या है स्टेरॉइड 2x2 गज। तो फ्रेंड जब भी अपन कैनुला या इंट्राकेट रिमूव करते हैं आईवी ट्यूबिंग को जो इंट्रावीनस लाइन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या लेते हैं स्टेरॉइड गोज लेते हैं, कितना 2x2 का स्टेरॉइड गोज का यूज करते हैं, इसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी स्टेरॉइड 2x2 गोज को लेते हैं ताकि जो साइट है रिमूविंग साइट आईवी साइट की जो कैथेटर है उसकी रिमूविंग साइट पर क्या करें प्रेशर अप्लाई करके रखा जा सके ताकि ब्लीडिंग ना हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सीडेंट इन्वॉल्व इन ए मोटर व्हीकल क्रैश, सॉरी ये क्वेश्चन के अंदर जो एक्सीडेंट नहीं है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक्सीडेंट नहीं है फ्रेंड, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर जो एक्सीडेंट की जगह क्या है एक क्लाइंट है, करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन करेंट, ए क्लाइंट इन्वॉल्व इन ए मोटर व्हीकल क्रैश प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग एंड क्लाइंट इज अर्ली हाइपोटेंशन एंड रेस्पॉन्सिव नर्स एंटिसिपेट दैट विच इंट्रावीनस सॉल्यूशन विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट, ऑप्शन ए 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 0.33% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी 0.45% सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी 0.225 सोडियम क्लोराइड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। फ्रेंड आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जब भी किसी पेशेंट को क्या हो
जब ब्लीडिंग हो या फिर आरटी केस के अंदर आरटी केस के ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होने की हाइपोटेंशन हो, और जो आरटी केस के अंदर जो ब्लीडिंग होने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, तो उसके बाद जो हाइपोटेंशन डेवलप होता है, तो उसको हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, प्लाज्मा एक्सपांडर देते हैं। और फ्रेंड प्लाज्मा एक्सपांडर कौन सा होता है, जो रिंगल लैक्टेट होता है, रिंगल लैक्टेट वो क्या है फ्रेंड, प्लाज्मा एक्सपेंडर करता है, यानी ये क्या करता है, वॉल्यूम को, प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन ए, 5% डेक्सोज इन लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन। ये क्या करेगा, जो हाइपोटेंशन है उसको करेक्ट करेगा, किसके द्वारा, प्लाज्मा एक्सपांड करके, यानी जो वॉल्यूम को बढ़ा के क्या करेगा, हाइपोटेंशन को ट्रीट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द नर्स हैज रिसीव्ड प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफ्यूज ए यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल फॉर असाइंड क्लाइंट, वॉट एक्शन शुड वी टेक नेक्स्ट। ऑप्शन ए चेक ए सेट ऑफ वाइटल साइन, ऑप्शन बी ऑर्डर द ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक, ऑप्शन सी ऑब्टेन वाई साइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग, एंड ऑप्शन डी है चेक टू बी श्योर दैट कंसेंट फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन हैज बीन साइन। तो फ्रेंड जब जो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लिया है पैक रेड ब्लड सेल के लिए, तो उसके बाद नर्स की जो जिम्मेदारी होती है, यानी उसको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसेंट लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, इसको श्योर कर लेगी, यानी चेक कर लेगी, चेक टू बी श्योर द कंसेंट फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन हैज बी साइन, यानी ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। जब फ्रेंड कंसेंट लिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्या करेंगी, वाइटल साइन भी चेक कर लेगी, उसके बाद जो ऑर्डर सब चेक करेगी, लेकिन सबसे पहले क्या करेगी, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी क्या रहेगी, जो कंसेंट है उसको चेक कर लेगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसेंट दिया हुआ है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नर्स इज गिविंग ए रिपोर्ट टू एन यूएपी। फ्रेंड यूएपी का फुल फॉर्म होता है अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, हु विल बी केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज हैंड रिस्ट्रेंट सेफ्टी डिवाइस, द नर्स इंस्ट्रक्ट द यूएपी टू चेक द स्किन इंटीग्रिटी ऑफ रिस्ट एंड हैंड हाउ फ्रिक्वेंटली, यानी कितने फ्रिक्वेंटली, कितने टाइम्स से जो है रिस्ट एंड सेफ्टी डिवाइस को, स्किन जो स्किन इंटीग्रिटी और जो रिस्ट और हैंड की जो स्किन इंटीग्रिटी को चेक करेगी, ये जो जो यूपी है उसको इंस्ट्रक्शन देगी कितनी देर में चेक करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा 1 आवरली, ऑप्शन बी 2 आवरली, ऑप्शन सी 30 मिनट, एंड ऑप्शन डी 45 मिनट। तो फ्रेंड जो इसके अंदर जो चेक करेगी स्किन इंटीग्रिटी को जो यूएपी है, यानी अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, वो कितनी देर में करेगा, फ्रिक्वेंटली 30 मिनट के, 30 मिनट पर क्या करेगा, जो है जो रिस्ट स्ट्रेन है या फिर जो स्किन इंटीग्रिटी है हैंड और रिस्ट की, क्या कर रहा है, चेक करेगा रिस्ट स्ट्रेन की कंडीशन। चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इंटर अटलांटिस रूम एंड फाइंड दैट द वेस्ट बास्केट इज ऑन फायर, द नर्स इमीडिएटली असिस्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द रूम, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन बी एक्सटिंग्विश द फायर, ऑप्शन सी एक्टिवेट द फायर अलार्म, एंड ऑप्शन डी कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग द रूम डोर। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फायर वाले केस के अंदर हम रेस और पास का यूज करते हैं, किसका करते हैं, रेस और पास का यूज करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आंसर जो आर का मतलब होता है रेस्क्यू, ए का मतलब होता है अलार्म, और सी का मतलब होता है कन्फाइन द फायर, एंड ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश द फायर। तो फ्रेंड जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, तो इमीडिएटली जो नर्स है उसने क्या कर दिया, क्लाइंट आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ द रूम कर दिया, मतलब क्या कर दिया उसने, रेस्क्यू कर दिया। तो रेस्क्यू के बाद में सेकेंड स्टेप क्या आएगी, अलार्म, यानी इसके अंदर अलार्म वाला कौन सा ऑप्शन है, सी, यानी एक्टिवेट द फायर अलार्म। तो ऑप्शन सी क्या हमारा क्या है राइट आंसर, एक्टिवेट द फायर अलार्म, और उसके बाद फायर अलार्म को एक्टिवेट करने के बाद में क्या करेगी, कन्फाइन द फायर, तो कन्फाइन द फायर भी इसके अंदर ऑप्शन डी में, और उसके बाद क्या करेगी, ई, यानी एक्सटिंग्विश द फायर, तो इसके बाद में क्या करेगी, एक्सटिंग्विश द फायर करेगी, उसके बाद में पास करेगी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन सी एक्टिवेट द फायर अलार्म, यानी जो क्लाइंट जो है उसको आउट ऑफ द रूम करने के बाद में उसको क्या करना है, एक्टिवेट द फायर अलार्म को एक्टिवेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी एंड क्वेश्चन है। तो विच पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द सर्जिकल प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस क्लाइंट। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, यानी कौन रेस्पॉन्सिबल है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, क्लाइंट के आंसर देने के लिए, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल। तो इसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड कौन होता है, डॉक्टर इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है।
Thanks all of you for your valuable support. We will work hard for you more and more, giving an edge to your knowledge with Top Notch Online. Don't forget to hit like. Please subscribe and press the bell icon. चलिए फ्रेंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.